हेलो दोस्तों, इस नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो बेटी यूपी के लिए बहुत बड़ा अपडेट है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स हैं, बेटी यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। उत्तर प्रदेश का जो जो सरकार है, वो तो आपको एक स्मार्टफोन या टैबलेट देगी ही, साथ में जो बेटी बोर्ड है वो भी आपको एक स्मार्टफोन और टैबलेट देने वाली है। तो इसके संबंध में कुछ नोटिस निकाला गया है बेटी यूपी के लिए। जो प्राविधिक शिक्षा निर्देशालय उत्तर प्रदेश है, जो बेटी बोर्ड को डायरेक्ट करता है, ठीक है, उसके द्वारा निकाला गया है। और कहा गया है, क्या इस नोटिस में आप लोग को पता चल जाएगा कि किस तरह से आपको एक और स्मार्टफोन और टैबलेट मिलने वाला है। ठीक है, सारा प्रोसेस इसमें बता दिया गया है किस तरह से आपको मिलेगा। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं नोटिस में क्या दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं, प्रेषक है निर्देशक प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश। ठीक है, बेटी बोर्ड के लिए भेजा गया है। किसके द्वारा भेजा गया है? तो प्राविधिक शिक्षा निर्देशालय उत्तर प्रदेश के द्वारा। कहा गया है, सेवा में समस्त प्रधानाचार्य राजकीय अनुदानित पॉलिटेक्निक संस्थाएं उत्तर प्रदेश। ठीक है, यूपी के जितने भी डिप्लोमा के कॉलेजेज हैं उनके लिए भेजा गया है। और कहा क्या गया है, विषय क्या है? विषय बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गणतंत्र दिवस की गरिमामयी अवसर पर यूराइज पोर्टल पर प्रश्नोत्तरी, विभागीय लोगो डिजाइन प्रतियोगिता और पोस्टर प्रस्तुतिकरण का आयोजन में प्रतिभागी छात्रों का पंजीकरण करने के संबंध में। ठीक है, इससे पहले भी एक नोटिस निकला था कि आप लोगों को स्मार्टफोन या टैबलेट दिया जाएगा बेटी यूपी बोर्ड के द्वारा। जो भी आपका 26 जनवरी आने वाला है, उसमें आपका क्यूट जो होगा, फिर आपका लोगो डिजाइन होगा, कई सारे प्रतियोगिता, कई सारे आपके प्रतियोगिता कराए जाएंगे, जिसमें जो भी स्टूडेंट्स प्रतिभाग करेगा, जो उसमें हिस्सा लेगा, उसमें जो सफल होगा, ठीक है, उसको स्मार्टफोन या फिर टैबलेट दिया जाएगा। ये सारा चीज़ आपका यूराइज पोर्टल के माध्यम से होगा। तो इस नोटिस में यही कहा गया है, इस नोटिस का विषय यही है कि जो भी आपके गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक हैं या फिर एडेड पॉलिटेक्निक हैं, उनको इस नोटिस को भेजा जाए उनके पास। और जो भी यूराइज पोर्टल के माध्यम से स्टूडेंट्स से अपना पंजीकरण कराना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं इस क्यूट्स के लिए, इस प्रतियोगिता के लिए, ठीक है, लोगो डिजाइन के लिए या फिर अन्य कई सारे इसमें प्रतियोगिता है, उसके लिए जो भी रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं उनको करवाया जाए। इसलिए इसको इस नोटिस को निकाला गया है। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं क्या दिया गया है, बहुत अच्छे से क्लियर होगा। महोदय, कृपया उपरोक्त विषयक शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में अवगत कराना है कि गणतंत्र दिवस के गरिमामय अवसर पर यूराइज पोर्टल पर प्रश्नोत्तरी परीक्षा, क्यूट जिसको बोल सकते हैं, विभागीय लोगो डिजाइन प्रतियोगिता और पोस्टर प्रस्तुतिकरण का आयोजन किया जाना है। प्राविधिक शिक्षा विभाग डिप्लोमा सेक्टर के अंतर्गत अध्ययनरत छात्रों के मध्य गणतंत्र दिवस का इतिहास, करंट अफेयर तथा साइंस और टेक्नोलॉजी के संबंध में दिनांक 22/1/2022 से 22/1/2022 के मध्य प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। ठीक है, तो डेट आपका कंफर्म हो गया है, 20 से 22 जनवरी के बीच में आपका यह जो प्रतियोगिता होने वाला है ये होगा। ठीक है, इसके बाद क्या कहा गया है, प्रतियोगिता संबंधी अन्य विस्तृत जानकारी प्राप्त करने हेतु पोर्टल नियमित अवलोकन करते रहें। प्रतियोगिता का परिणाम दिनांक 25/1/2022 को घोषित किया जाएगा। यूराइज पोर्टल पर पंजीकृत छात्र ही प्रतियोगिता में पात्र होंगे। प्रतियोगिता में सफल छात्रों को पुरस्कार के रूप में टैबलेट या स्मार्टफोन दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कंफर्म हो गया है कि जो आपका क्यूट जो होगा, जो भी प्रतियोगिता होगा वो 20 से 22 जनवरी के बीच में होगा। इसका रिजल्ट जो होगा वो 25 जनवरी को आपको डिसाइड कर दिया जाएगा और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन आपको जो भी स्मार्टफोन या टैबलेट बीटीयूपी के द्वारा आपको दिया जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका कंफर्म हो गया है। इसके बाद देखते हैं, अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि छात्रों को प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने हेतु प्रेरित कर अधिकतम 6 छात्रों का पंजीकरण कराना सुनिश्चित करें। ठीक है, जितने भी कॉलेजेस हैं उनको कहा गया है कि जो भी स्टूडेंट्स हैं जो इसमें भाग लेना चाहते हैं, ठीक है, अपना टैलेंट दिखाना चाहते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन कराएं ताकि वो अपने टैलेंट को बाहर निकाल सकें। ठीक है, तो इस तरह से बीटीयूपी बोर्ड से आ गया है नोटिस सभी कॉलेजेस के लिए। ठीक है,
इम्पॉर्टेंट है कि मैं कहूँगा आप सभी लोग जो भी स्टूडेंट्स हैं BTPP बोर्ड के, सब कोई इसमें रजिस्ट्रेशन करें और सारा चीज़ आपको यूराइज पोर्टल के माध्यम से ही देखने को मिलेगा। तो यूराइज पोर्टल आप निरंतर देखते रहें, लगातार देखते रहें, उसमें जो भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, जो भी आपको जो भी कुछ करना होगा वो यूराइज पोर्टल के माध्यम से ही करना होगा। सारी चीज़ें आपको यूराइज पोर्टल पर मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी BTPP से संबंधित अगर अपडेट आता है तो आपको नोटिफाई करने की कोशिश की जाएगी। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।